हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो मध्यकालीन भारत का इतिहास। चलिए बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। 1290 से ये खिलजी वंश स्टार्ट होता है और 1320 तक चलता है दोस्तों। 1290 से लेकर के 1320 तक 30 साल का मात्र इसका शासनकाल रहा, लेकिन जितना भी रहा उसके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट होंगे वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बस आपने एक काम करना है दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए, खिलजी वंश का जो फाउंडर है वो कहा जाता है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को। पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें कुछ कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। उन कड़ियों के बारे में बात करते हैं तो कड़ी स्टार्ट होती है बलबन से। बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था, आप जानते हो। ये जो बलबन है, ये बलबन असल में इसके दो उत्तराधिकारी हैं, एक तो है बुगरा खां और दूसरा है शहजादा मोहम्मद। अब ये जो है ना बलबन, ये शहजादा मोहम्मद की फेवर में ज़्यादा रहता है, इसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। होता है ना बच्चों, एक फेवरेट रहता है हमेशा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर थी जो बलबन को दिखी थी कि हाँ भाई, मोहम्मद खां जो है, ये मोहम्मद शहजादा मोहम्मद जो है वो अच्छी तरह सत्ता को संभाल सकता है। तो इसलिए ये शहजादा मोहम्मद के पास जाना चाहता है और उसी को क्या देना चाहता है, गद्दी देना चाहता है। ये बुगरा खां को बिल्कुल भी गद्दी देना के पक्ष में नहीं है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुल मिलाकर के ये जो बुगरा खां है वो शासन संबंधी कार्यों में रुचि नहीं दर्शाता। इसको असल में कोई लोभ ही नहीं था सत्ता का, बुगरा खां को। तो इसलिए भी जो बलबन है वो इसके पक्ष में नहीं है गद्दी के, कि गद्दी इसको मिले। लेकिन अब अचानक से होता यह है कि ये जो बलबन है, ये जो शहजादा है, उस टाइम पर मंगोलों द्वारा आक्रमण हो चुका था बलबन के सेना पर। अब इस मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए भारत के जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जाता है कौन, मोहम्मद शहजादा मोहम्मद। आपको बिल्कुल जी लगा के रखना है दोस्तों, और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। आपको स्टोरी इतनी अच्छी लगेगी, आपको खुद प्यार हो जाएगा इन चीज़ों से। हिस्ट्री बिल्कुल भी बोर आपको लगने वाली नहीं है दोस्तों। अब ये जो शहजादा मोहम्मद है, ये क्या करता है, ये जाता है कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी एरिया में जाता है और वहाँ जा करके लड़ाई करता है किसके साथ में, मंगोलों के साथ में। अब ये जो मंगोल शासक थे वहाँ पर इसे मार देते हैं, ये मर जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि ये जो बलबन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा कठोर था, बहुत कठोर हृदय का था। कितनी बड़ी से बड़ी बात हुई हो, ये कभी रोया नहीं। इसने कभी भी अपने आप को कभी भी क्या नहीं करा, मतलब इसकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कि इसके दिल के बहुत करीब था, कौन, शहजादा मोहम्मद। जब ये मरता है तो इसके मरने पर ये फुट फुट कर रोता है दोस्तों, बहुत रोता है, क्योंकि इसकी आस जो थी वो टूट जाती है। ये उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहता था शहजादा मोहम्मद को। लेकिन अभी भी बलबन इस बुगरा खां को सत्ता देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी ये बुगरा खां को सत्ता देने के पक्ष में, गद्दी पर बैठाने के पक्ष में नहीं होता दोस्तों। ऐसे में क्या करता है, ऐसे में ये उत्तराधिकारी के रूप में कै खुसरो को चुनता है दोस्तों, कै खुसरो। अब ये कै खुसरो कौन है, असल में ये जो कै खुसरो है, ये लड़का है किसका, शहजादा मोहम्मद का, यानी कि बलबन इसका दादा है या फिर बलबन का ये पोता है, कै खुसरो। अब ये जो कै खुसरो है, ये कै खुसरो, इसको मरवा दिया जाता है अमीर वर्गों के द्वारा। अब ये अमीर वर्ग वही है जो बलबन के टाइम पर वहाँ पर तुर्क वगैरह थे, अमीर जो लोग थे, अमीर वर्ग, ये क्या करते थे, षड्यंत्र करते थे किसके खिलाफ, हमेशा राजा के खिलाफ, शासक के खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह रचते रहते थे। तो इनको कै खुसरो का गद्दी पर बैठना पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं भाता। और ये क्या करते हैं, इस अमीर वर्ग वाले जो ये जो लोग हैं, ये इसको उतार देते हैं गद्दी पर से, मतलब इसको शासक से, सत्ता से हटा देते हैं और बाद में इसको मरवा देते हैं, किसको, कै खुसरो को। अब इधर ये जो बुगरा खां का लड़का है, इसका नाम है, बुगरा खां के लड़के का नाम है कैकुबाद। अब ऐसी स्थिति में बलबन क्या करता है, कैकुबाद को बिठाता है गद्दी पर। कहाँ बिठाते हैं, गद्दी पर बिठाता है। अब ये कैकुबाद जो है, ये उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों,
उत्तराधिकारी बनने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये जो कैकुबाद है ये कैसा राजा था, ये विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला राजा था। विलासिता पूर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलासी राजा कहा गया है इसको, जुए शराब इन चीज़ों की लत लग चुकी थी इसको और इन्हीं चीज़ों में ये पैसा बर्बाद कर रहा था। कुल मिलाकर के इसको ये भी नहीं पता था कि किस प्रकार से जनता के प्रति इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या इसका जो है वो धर्म है, ये कुछ नहीं जानता था। इसको इन चीज़ों से मोह माया थी नहीं बिल्कुल भी। अब इतना ज़्यादा डूब जाता है विलासिता में कि इसको लकवा मार जाता है दोस्तों, लकवा मार जाता है। इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो ये कि ये जो बलवन है ये इतना स्ट्रिक्ट है, ये इतना कठोर है, आगे इसके जो दो लड़के हैं बुगरा खां और शहजादा मोहम्मद शहजादा, ये जो है दोनों के दोनों भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अपने बाप के द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानते हैं, फिर आखिर ऐसे में ये कैसे बिगड़ जाता है कैकुबाद? ये एक मेजर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों इसके पीछे का रीजन ये होता है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने पर, अब दादा तो मर गया बलबन तो मर गया, तो एक रिलीफ मिलता है बच्चों को, क्या मिला एक रिलीफ, तो इसको कैकुबाद को एक रिलीफ मिला, ऊपर से लगाम जो थी कसी हुई लगाम वो ढीली हो गई, ये कह सकते हो आप। अब ऐसी स्थिति में या तो बच्चा बिल्कुल सुधर जाता है या बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो दूसरे वाला रास्ता इसने अपनाया और ये बिल्कुल बिगड़ गया और इसने जो है वो विलासिता पूर्ण जीवन जो है वो जीना अपना स्टार्ट कर दिया। जब ये सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पर क्या हुआ कि असल में बलबन के समय पर ना, बलबन के समय पर ही जलालुद्दीन खिलजी नाम, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का एक सेनानायक नियुक्त कर लिया जाता है और ये बलबन के टाइम पर ही नियुक्त कर लिया जाता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये कह लीजिए डटकर के सामना करता है मंगोलों का, क्योंकि मंगोलों के लगातार आक्रमण उस टाइम पर हो रहे थे दिल्ली सल्तनत पर। तो ये जलालुद्दीन है, ये जलालुद्दीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसकी, पहले ये बलबन की हेल्प करता है, फिर बाद में ये जो कैकुबाद बनता है इसके समय पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मंगोल आक्रमणों का डटकर सामना करता है दोस्तों ये। इसलिए कैकुबाद ने इसको एक नाम दिया था, एक उपाधि दी थी, वो पेपर में पूछी जाती है शाइस्ता खां। इतिहास में शाइस्ता खां की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है, किसको दी गई है, ये दी गई है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और किसने दी थी, कैकुबाद ने। अब ये कैकुबाद कौन था, ये था आपका किसका, बुगरा खां का लड़का और बलबन का पोता दोस्तों। बात यही नहीं थमती, आगे चलते हैं। अब ये क्या करता है, इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, किससे, कैकुबाद जो है वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जलालुद्दीन से। अब लकवा होने के बाद, लकवा जब इसको हो जाता है तो इसको मार करके कौन, जब राजा बेकार हो जाता है ना तो प्रजा भी उसका सम्मान नहीं करती, ये तो उसका सैनिक था, उसका सेनानायक था, क्या था, सेनानायक, कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या करता है, इसको फेंकवा देता है कहाँ पर, यमुना नदी में, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो यमुना नदी में एक राजा को, एक सुल्तान, एक सुल्तान को फेंकवा दिया जाता है किसके द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि क्या था, सेनानायक था, किसका, गुलाम वंश का। इतनी बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों। अब उसके बाद ये इसका लड़का कैकुबाद का एक लड़का था जिसका नाम था क्यूमर्स, क्यूमर्स को ये गद्दी पर बिठा देता है, जो कि सिर्फ एक साजिश थी, दिखाना चाहता था कि देखो मैं खुद राज नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैंने राजा के बेटे को ही बिठाया है गद्दी पर। और तीन महीने में उसका इतना विश्वास जीत लेता है कि उसको भी धोखे से मार देता है, किसको, क्यूमर्स को। कौन मार देता है धोखे से इसको, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको ही मार देता है और इस प्रकार से मात्र तीन महीने का शासन करता है और इस प्रकार से 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र समझ सकते हो आप, एक बुजुर्ग। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूरे सल्तनत काल के दौरान सबसे ज़्यादा उम्र दराज अगर कोई व्यक्ति जो शासक बना तो वो कौन था, आपका जलालुद्दीन खिलजी था। 70 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठता है दोस्तों और खिलजी वंश का क्या बनता है, संस्थापक बनता है। अभी खिलजी वंश का संस्थापक बन जाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। असल में इसने सल्तनत या गद्दी पर बैठना इसलिए चाहा था, 70 साल की उम्र में अभी आराम करना चाहता था और आराम करने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, वो था गद्दी पर बैठ करके सत्ता अपना करके, तभी जा करके ये इस आराम को पा सकता था दोस्तों। फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, राज्याभिषेक, तो आपको ध्यान देना है बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में, बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में।
ये जो लाल महल है ये दिल्ली के पास ही पड़ता है, इसको किलोखरी का किलोखरी भी कहा जाता है, किलोखरी। तो किलोखरी में जो है वो इसने राजधानी बनाई, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। और यहां पर ही इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि बनाने को तो ये दिल्ली भी बना सकता था अपनी राजधानी, लेकिन इसने किसको बनाया? किलोखरी को। तो इसका मतलब उसी टाइम से ये चीज थी कि जो चीजें ज्यादा फेमस नहीं है उन चीजों को क्या किया जाए, दोस्तों उन चीजों को फेमस कराने के लिए उसको राजधानी बना दिया जाता है। आज भी आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो है वो अलग से रख दी गई है राजधानी, और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो देहरादून है वो विकसित है, जो हमारा देहरादून है वो क्या है? वो विकसित है। और जो स्थान विकसित नहीं होते उनको क्या बदल जाता है? उनको राजधानी में बदल दिया जाता है दोस्तों, उनको राजधानी बनाया जाता है। तो ऐसे ही जलालुद्दीन खिलजी ने भी क्या करा था? किलोखरी को क्या बना दिया था? राजधानी बनाया था दोस्तों। अच्छा, एक बात और दिमाग में जो है आपको रखनी है वो ये कि जो जलालुद्दीन है इसके कुछ शब्द थे, इसकी कुछ सोच थी, इसके कुछ कोट थे, वो क्या थे? कि मैं वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मुझे आदत नहीं है, मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। ये शब्द किसके थे दोस्तों? ये शब्द थे जलालुद्दीन खिलजी के। चलिए, ये बात आपके समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हिंदुओं के बिल्कुल विपरीत प्रकृति का था, ऐसा नहीं है। उदारवादी था, ये आपको ध्यान देना है, उदारवादी था, दयालु था, हिंदुओं के प्रति दयालु। ये मैंने दयालु आपको वर्ड दोबारा लिख दिया, दयालु। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दयालु था जनता के लिए। लेकिन एक बात इसने कही थी कि मुसलमानों का रक्त बहाने की इसे आदत नहीं है, ऐसी बात इसने कही थी। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये जो वाक्य है वो किसका है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अब होता यह है 1290 में जब ये गद्दी पर बैठता है तो शासन करता है, इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? ये दक्षिण भारत में कहाँ जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत में जाता है अलाउद्दीन खिलजी क्या करने के लिए? दक्षिण भारत में उस टाइम पर जो मंगोल थे वो क्या कर रहे थे? दिल्ली सल्तनत पर फिर से घेरे हुए थे, आक्रमण कर रहे थे। तो दक्षिण की तरफ कौन चला जाता है, कौन भेज देता है इसको? दक्षिण भारत में कौन भेजता है? जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को भेज देता है। अभी वहाँ जाता है, वहाँ जाकर के खूब लड़ाइयाँ लड़ता है, जीतता है, वहाँ से खूब पैसा वैसा आता है इसके पास, शोहरत आती है, और साथ ही साथ इसको एक रास्ता दिखाई देता है दक्षिण भारत की तरफ से कि ये क्या कर सकता है, विदेशों से व्यापार कर सकता है। वो मार्ग इसको वहाँ से नजर आ जाता है गुजरात की साइड से। और ऐसी स्थिति में इसके मन में जो है वो एक दिमाग में एक तरीका, एक आइडिया आ जाता है, ये कह लीजिए आप। और ये क्या करता है? ये इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है दोस्तों। और जलालुद्दीन खिलजी जो किसका खुद का चाचा था, ये ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? ये भतीजा था। और अपने ही सगे चाचा को मार करके गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अनपढ़ गवार था बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी बातें इसके अंदर थी कि इतने लंबे समय के बाद भी आज हमें इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता अगर पड़ रही है तो कुछ ना कुछ इसने काम करे हैं, और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अभी आगे। तो आपको ध्यान देना है, ये दक्षिण भारत पर जाता है, दक्षिण भारत की साइड जाता है, वहां से आते हुए आकर के अपने चाचा को मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को, और खुद का बैठ जाता है गद्दी पर बैठ जाता है। और साथ ही साथ पहले ये उसका भतीजा था, तीन रिश्ते थे इसके, पहले भतीजा था, फिर उसी की लड़की से शादी भी कर लेता है अपनी, जी हाँ दोस्तों, अपनी ही चाचा की लड़की से शादी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी लड़की से? जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से। तो उसका दामाद भी बन जाता है, उसका भतीजा भी था, और साथ साथ उसकी हत्या भी कर देता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है, तीन रिश्ते। पहला रिश्ता क्या था? हत्यारा था उसका, दूसरा कह लीजिए भतीजा था, और दामाद भी था उसका। तो ये तीन रिश्ते निभा रहा था ये। अब यहाँ से 1290 से लेकर के 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी की बात हमने ख़त्म कर दी दोस्तों, और गद्दी पर कुल लाकर के बैठ कौन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अभी जो अलाउद्दीन खिलजी है, असल में इसका नाम स्टार्टिंग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता, बचपन में इसका नाम अली गुरसप था दोस्तों। क्या था? अली गुरसप। ये बात आपको दिमाग के अंदर बैठा के रखनी है, बचपन में इसका नाम क्या था दोस्तों? अली गुरसप। अब ये जो अली गुरसप है,
इसने खुद को क्या कहा है दोस्तों, सिकंदर। इसने कहा है कि मैं भारत का दूसरा सिकंदर हूं। जिस प्रकार से सिकंदर आपने सुना होगा सिकंदर अलेक्जेंडर के बारे में, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी खुद को क्या माना है, सिकंदर। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उर्दू में इसको सिकंदर सानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिकंदर सानी, सिकंदर के जैसा, सिकंदर सानी, सिकंदर के जैसा रूप वाला सिकंदर सानी कौन था? तो सिकंदर सानी किसको कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है दोस्तों। इसके बाद अगर इसने पूछा जाए कि क्या करवाया है, तो अलाई द्वार इसने बनवाया और अलाई मीनार इसने बनवाई। इसके अलावा दोस्तों चार काम और करे इसने जो कि आपको याद रखने हैं। असल में एक तो जो इक्ता प्रथा थी ना, इक्ता प्रथा जिसको मैंने आपको बताया था कि इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट करवाई थी, इल्तुतमिश के समय से जो क्या आ रही थी, इक्ता प्रथा लागू होकर के जो चली आ रही थी कि क्या करते थे उसमें नगद नगद वेतन की जगह पर जमीन दे दी जाती थी, और फिर जमीन पर ही जो है वो ये प्रथा चली आ रही थी आगे तक। इसको ख़त्म करा दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जिसने क्या कहा था कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको एक साल का नकद वेतन देंगे। महीने के महीने हिसाब नहीं करता था ये दोस्तों, ये एक साल में हर साल मतलब साल का क्या करता था, ये तनख्वाह देता था। जमीन वाला जो हिसाब किताब था वो उसने निपटा दिया था। इसने क्या करा था दोस्तों, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो जमीन बटी हुई थी, जो सबसे ज़्यादा जमीन किसके समय पर बांटी गई थी, गुलाम वंश के दौरान जितनी भी जमीन बांट दी गई थी, दे दी गई थी, उस सारी जमीन को इसने सरकारी जब्त कर ली थी। मतलब तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो सरकारी जमीन को जब्त करने वाला शासक अगर किसी को कहा जाए तो वो कौन था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। एक बात इसने ये करी। दूसरी बात दोस्तों, इसने एक काम और करा। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई जितना भी टैक्स होगा ना, जितना भी टैक्स, पहले 25% टैक्स जो था ना कृषि पर, 25% का टैक्स था, 25% का टैक्स किस पर था? कृषि पर। तो इस 25% के टैक्स को इसने बढ़ा करके कितना कर दिया? 75%। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो वह शासक जिसने कृषि पर, ये उल्टा काम करा, गलत काम करा, कृषि पर इसने क्या करा, 75% का टैक्स करवा दिया दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको, टैक्स बढ़ा दिया था इसने कृषि पर। एक और काम करा था इसने, इसने कहा भाई जितने भी अमीर वर्गों के फंक्शन होंगे ना, फंक्शन जितने भी फंक्शन होंगे, उनके जितने भी त्यौहार होंगे, उसमें बड़े फंक्शनों में जितने भी अमीर लोग होंगे वो इकट्ठा नहीं होंगे। अगर आपके घर में कोई शादी विवाह है तो अकेले अकेले करो, उसमें बड़े ज़्यादा लोगों को इकट्ठा मत करो। इस प्रकार की इसने क्या लगा दी थी, कुछ पाबंदियाँ लगा दी थी। और उसके पीछे का एक पर्टिकुलर रीज़न था बच्चों, वो रीज़न ये था क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब भी ये जो इसको सबसे ज़्यादा ये शक था कि भाई जब भी ये अमीर लोग इकट्ठे होते हैं तो ये इकट्ठे होने के बाद क्या करते हैं, राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जिससे कि राजा को हटाने के नौबत तक आ जाती है। तो कई बार, तीन बार अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ, राजा को हटाने की बारी आई, लेकिन तीनों ही बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी समझबूझ के थ्रू उन तीनों ही जो विद्रोह हुए उनको दबा दिया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाद में इसने एक काम और कराया, और वो काम ये था दोस्तों कि इसने जो है ना, जो जुआ था, शराब वगैरह, नशे, इन सबको बंद करवा दिया। इसका कहना यह था कि जब ये लोग जुआ खेलेंगे, नशे करेंगे, तो नशा करने के बाद मादकता, समझ रहे हो ना, शराब वगैरह ये सब बंद करवा दी। तो अगर ये सब करेंगे तो इनके मन में राजा के प्रति षड्यंत्र रचने की भावनाएं ज़्यादा आएंगी नशे में, तो इसलिए इसने क्या करवा दिया, अपने राज्य में नशा बंद करवा दिया। इसके अलावा बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसने गुजरात पर, क्योंकि इसके दिमाग में कहीं ना कहीं जब ये दक्षिण में गया था और इसने लड़ाई लड़ी थी दक्षिण वाली, दक्षिण भारत वाली, तो वहाँ पर रास्ता देखा था कि किस प्रकार से विदेशियों के साथ में जाकर के ये क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो इसलिए इसने वो रास्ता खोज लिया था और गुजरात पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ से जीत करके ये क्या करके क्या कर गया था, इसको वो तरीका मिल गया था कि किस प्रकार से ये विदेशों के साथ में व्यापार कर सके और अपनी सल्तनत को जो है या अपने पैसे को डबल से चार गुना बढ़ा सके, छः गुना बढ़ा सके, आठ गुना बढ़ा सके, व्यापार का इसे माध्यम मिल गया था दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें अभी भी जारी रहेंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने, इसलिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार करें, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है इसका, खिलजी वंश में ये जो बातें रह गई हैं अभी अधूरी, किससे, ये हमारी बातें रह गई हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो बातें रह गई हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा और करेंगे हम, और बाकी खिलजी वंश के बारे में हम अगले पार्ट में कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आगे की तरफ को चलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।